यकीन मानिए दोस्तों, सच्चे मन से माता रानी को याद कर कर देखिए, आपकी सभी मनोकामना तो पूर्ण करेगी ही, साथ ही साथ आपको अपने दरबार जरूर बुलाएगी। दर्शन को पाके माँ हमने है ये जाना, दर्शन को पाके माँ हमने है ये जाना, तेरी चौखट पे माँ हमको सालों साल है आना, तेरी चौखट पे माँ हमको सालों साल है आना, माँ हमने कसम ये खाई है भैया शेर पे सवार होके आई। जय माता दी, चलो बुलावा आया है, श्री माता वैष्णो देवी ने अपने पावन दरबार बुलाया है। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए प्यारे से वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर। आज की इस नई वीडियो में हम आप सबको माता रानी के नए दर्शन के साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा जुड़ी नई जानकारियाँ शेयर करने वाले हैं। इसलिए मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़कर अपील है कि अगर आप आगामी दिनों में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना टेस्ट की। मैंने आपको पहले भी ये जानकारी शेयर की थी कि अगर आपके पास वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट है तो फिर आपका कोई भी टेस्ट नहीं होगा। फाइनली जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा नवंबर महीने की नई गाइडलाइन जारी करते हुए गाइडलाइन में पूरी तरीके से रिटन फॉर्म में ये बता दिया गया है, सामने आप गाइडलाइन भी देख सकते हैं, जिनमें पूरी तरीके से कह दिया गया कि ऐसे कोई भी पैसेंजर हैं जो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो उनके पास या तो वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, फिर तो उनका कोई भी कोविड टेस्ट नहीं होगा, या फिर अगर वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो उनके पास कोविड की नेगेटिव 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट होनी चाहिए। रिपोर्ट आरटीपीसीआर भी हो सकता है और रैपिड भी हो सकता है। तो फाइनली जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पूरी तरीके से रिटन फॉर्म में ये बातें कह दी गई हैं और अब आप निश्चिंत हो जाइए, आप पूरी तरीके से देख लीजिए कि किस तरीके का क्या रूल है कोविड से रिलेटेड श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में। हम आ चुके हैं माता रानी के पवित्र पावन भवन के पास और यहाँ पर आप सबको घर बैठे हम माता रानी के पवित्र राम मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, वो भी बाहर से। अभी कुछ ही टाइम में आप सबको माता रानी के राम मंदिर के अंदर से भी दर्शन हम इस चैनल पर आपको कराने वाले हैं। पहले आप देख लीजिए माता रानी का पवित्र त्रिकूट पर्वत, जहाँ पर एक अलग सी सुंदरता देखने को मिलती है। यहीं पर श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हमें नारियल भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ भगवान शंकर का गुफा भी यहीं पर है, जहाँ पर आप जाकर भोलेनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं। ऐसे प्यारे से विजुअल आप घर बैठे मेरे इस चैनल के जरिए दर्शन कर रहे होंगे। भवन पर देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु की रस हमें देखने को मिल रही है। मैं आपको फिर से बता दूं, श्रद्धालु की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस समय लगभग 25,000 से लेकर 30,000 तक माँ भगवती की यात्रा पर संख्या बनी हुई है। आगामी दिनों में अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा करने वाले हैं तो आप सब अपना यात्रा पर्ची ऑनलाइन करा कर आएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। उससे फायदे ये होंगे कि आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। हम आ चुके हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी में, जहां पर हम सब भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। पहले आप इस त्रिकूट पर्वत के दर्शन कर लीजिए। भैरव घाटी से भी हमें अलग अलग त्रिकूट पर्वत के पहाड़ियों के दर्शन होते रहते हैं। ऐसे में यहाँ का जो विजुअल होता है वो सबसे अलग होता है। यहाँ से पूरी तरीके से हमें दूर दूर तक का विजुअल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर वेदर देखिए, यहाँ पर वेदर किस प्रकार से है। यहाँ पर धूप निकली हुई है, फिर भी यहाँ पर कई सारे लोगों ने हल्की फुल्की जैकेट भी पहनी हुई है। इसलिए मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा कि अगर आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ा जरूर से लेकर आएं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मौसम होता है वो चंद मिनटों में बदलता रहता है। नीचे आपको ट्रैक में मौसम अलग देखने को मिलेगा, आप भवन पर पहुंचेंगे वहां पर मौसम अलग होगा, और जैसे आप भैरव घाटी पहुंच जाएंगे ना तो वहां पर भी मौसम पूरी तरीके से डिफरेंट होगा, अलग होगा। इसलिए अपने साथ गर्म कपड़ा लेकर आइए, बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो उनका काफ़ी ध्यान रखें, उनके साथ उनका पैकिंग करें कि उनको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, इस हिसाब से पूरी तैयारियाँ करके आइए। गर्म कपड़ा के साथ साथ अपने साथ अपना कैप लेकर आइए जो विंटर के समय आप पहनते हैं। इससे क्या होगा कि किसी प्रकार से आपको ठंड नहीं लगेगी और आप ठंड से पूरी तरीके से बच पाएंगे, क्योंकि माता रानी के पवित्र पावन भवन में हमें लगभग 12 महीने के 12 महीने ठंड हल्की हल्की देखने को मिली जाती है। वैसे बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अब बात करते हैं सुविधाओं की। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा हर प्रकार की सुविधाएं, चाहे बैटरी कार हो, रोप वे हो, हेलीकॉप्टर हो, भोजनालय हो, घोड़ा पिट्टू पालकी की सुविधाएं हो, डोरमेट्रीज हो, धर्मशाला हो, इस सभी प्रकार की सुविधाएं भक्तों को निरंतर मिल रही है। और मैंने आपको पहले भी ये चीजें बताई है कि हेलीकॉप्टर की सुविधाएं पूरी तरीके से वेदर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वेदर जरा सा भी खराब होता है तो हेलीकॉप्टर सुविधा को नहीं चलाया जाता है, उन सारे भक्तों का पैसा वापस से रिफंड कर दिया जाता है जिनकी बुकिंग होती है। तो आपको इस चीज से घबराना नहीं है, आप यात्रा पर बिल्कुल आ सकते हैं। यात्रा पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको निरंतर मिल रही है, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। बस हाँ, यात्रा करने से पहले आप इस चीज का खास ख्याल रखें, अपने घर से अपना ऑनलाइन यात्रा पर्ची करा लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हो सकता है आपको लाइनों में लगना पड़े,
आपका टाइम थोड़ा ख़राब हो, इस चीज़ से आप बच जाएंगे। दूसरी बात, अपने साथ अपना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आइए, RT-PCR या रैपिड, जो कि 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है या फिर आपको वैक्सीन की सिंगल डोज लगी है, ठीक है, वैक्सीन की दोनों डोज लगी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यात्रा सुचारू रूप से चल रहा है, आप माता रानी की यात्रा पर आ सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप अपने साथ वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। कटरा में आपको हर प्रकार की दुकानें, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हो, भोजनालय हो, ढाबा हो या फिर कोई होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ये सभी खुले हुए हैं, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जम्मू से कटरा, कटरा से जम्मू के बीच जो बस सुविधा होती है वो भी पूरी तरीके से चल रही, क्योंकि अब श्रद्धालु की संख्या दिन प्रतिदिन माता रानी की कृपा से बढ़ रही है और आने वाले समय में मैं माता रानी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि माँ भगवती आप सबको अपने दरबार जरूर बुलाए। यकीन मानिए दोस्तों, सच्चे मन से माता रानी को याद कर देखिए, आपकी सभी मनोकामना तो पूर्ण करेगी ही, साथ ही साथ आपको अपने दरबार जरूर बुलाएगी, क्योंकि जो माता रानी का पवित्र पावन दरबार है ना, वहां पर बहुत किस्मत वाले ही पहुंच पाते हैं। ऐसे बहुत सारे श्रद्धालुओं को मैंने देखा है जो चाह कर भी माता रानी की यात्रा पर या माँ भगवती के दरबार नहीं जा पाते हैं। आप किस्मत वाले हैं, इसलिए आप माता रानी के दरबार जा पा रहे हैं। आने वाले समय में जो भी नई जानकारियां होंगी वो आपको इस ट्रेन राइडर चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दूसरे भक्तों तक भी शेयर करें, ताकि उनको भी मदद मिले यात्रा करने में और साथ ही साथ उनको भी लेटेस्ट जानकारियां प्राप्त होती रहें। चलिए, हमारी यही प्रयास रहेगी कि हम टाइम टू टाइम आपको माता रानी की यात्रा जुड़ी जानकारियां देते रहें। रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आप आने वाले टाइम की जानकारी आने वाले समय पर ही छोड़ दें, क्योंकि अभी हम आपको फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो पूछते हैं दिसंबर में कैसा रहेगा, जनवरी में कैसा रहेगा, तो वो तो आने वाला समय है, फ्यूचर टाइम है, उसके बारे में हम आपको आने वाले समय में ही अपडेट करते रहेंगे। चलिए, मेरी मुलाकात फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियोस में होगी। आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से चैनल के साथ ट्रेन राइडर, जिसका नाम है, और आप देख रहे थे आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर, और मैं था आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।